अगर अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे तो क्या होगा? क्या बीजेपी अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य बर्बाद करेगी? क्या सपा का वजूद भी ठीक मायावती की तरह हो जाएगा? क्या बीजेपी अकेले यूपी में अगले 20 सालों तक राज करेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। कुछ लोग दावा करते हैं कि अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव करो या मरो की स्थिति वाला है। अखिलेश यादव का चुनाव नहीं जीते तो फिर क्या होगा? अगर अखिलेश जीत गए तो मुख्यमंत्री बनेंगे, भविष्य में अपने पिताजी की तरह ही पीएम बनने का सपना भी देख सकते हैं और केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर अखिलेश यादव को बीजेपी ने हरा दिया तो फिर उनका भविष्य क्या होगा? ठीक ऐसे ही सवालों के साथ हम लखनऊ के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुँचे, उनको सुनाए। उसके पहले आप देखिए कुछ ऐसे तथ्य जो आपको समझने में मदद करेंगे कि असली कहानी क्या है। बीजेपी हमेशा परंपरा से अलग राजनीति करती है। बीजेपी विरोधियों को हमेशा के लिए चुप करवाती है। सबसे बड़ा उदाहरण मायावती ही है। फिर मायावती की खामोशी की कहानी। बीजेपी विरोधियों को तो दूर, अपने सहयोगियों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ती है। कई उदाहरण भी हैं। तो बीजेपी अखिलेश को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अखिलेश तो बीजेपी की सबसे बड़ी फांस उत्तर प्रदेश में है। ये जो 2022 का चुनाव है वो करो या मरो वाला चुनाव है। अगर अखिलेश यादव यहाँ पर अगर चुनाव जीतकर अगर सरकार नहीं बनाते हैं तो ऐसी सूरत में अखिलेश यादव के साथ फिर अगला 5 साल जो है वो होगा। दूसरी बात है कि अगर आप देखिए 10 सालों में जो कार्यकर्ता होते हैं वो कार्यकर्ता डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। अगर 10 साल आपका कार्यकर्ता अगर घर बैठा है, उसके पास सरकार नहीं है, काम नहीं है, तो उसके बाद जो है वो डिमोरलाइज्ड होने लगता है। ऐसी सूरत में अखिलेश यादव इसीलिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता यही है कि जब कोई बड़ा नेता बार बार चुनाव हारता है तो फिर उसके समर्थकों में एक विश्वास कम होता है। वो चाहे जितना बड़ा नेता हो, उसके समर्थकों की उम्मीदें टूटने लगती हैं। तो अब अखिलेश यादव का क्या होगा ये समझिए। इसके बाद अखिलेश यादव के पास सिर्फ 2 या 3 विकल्प बचेंगे। माना जाता है कि आमतौर पे मुख्यमंत्री बनने की उम्र 40 से 55 साल के बीच होती है। मुलायम सिंह यादव इसी उम्र में प्रधानमंत्री बनने के करीब पहुंच गए थे। अगर 22 का चुनाव हार जाते हैं तो 24 के चुनाव के लिए वो कितना फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा अगर सीटें जितनी ज्यादा उनकी उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य होंगे उतने ज्यादा उनका केंद्र में नेतृत्व होगा। बीजेपी जानती है कि अखिलेश यादव भविष्य में क्या बन सकते हैं, इसीलिए इसमें दोहरी रणनीति है। पहली रणनीति ये है कि वो मायावती की राजनीति को खत्म करे। दूसरी रणनीति है कि वो अखिलेश को मायावती के सहारे चुनाव में मात देने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी यूपी में विपक्ष को साफ करने में सफल रहेगी और सालों तक सत्ता का सुख भोग सकती है। ये बहुत बड़ी राजनीतिक मजबूरी है अखिलेश यादव के साथ कि उनको 22 का चुनाव जीतना है, अन्यथा फिर वो 22 के चुनाव अगर नहीं जीतते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। आगे अखिलेश यादव के पास मात्र 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प तो केंद्रीय राजनीति पर फोकस करने का है। दूसरा रास्ता होगा फिर 5 साल तक योगी के जाने का इंतजार हो। तीसरा रास्ता है अखिलेश यादव योगी मोदी के दौर के जाने का इंतजार कर सकते हैं। चुनाव हारना तो अखिलेश का लगातार निश्चित है और वो इसीलिए उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा विधानसभा का, क्योंकि वो लोकसभा में जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां भी उनके गायब होने के पोस्टर चपक चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो क्या निर्णय करेंगे, और जब आदमी हार और हताशा से जूझ रहा होता तो उसके निर्णय की कल्पना करना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं। साफ है कि अखिलेश यादव को हराने का सपना बीजेपी देख रही है, बल्कि उस रणनीति पे काम भी शुरू कर चुकी है। अखिलेश अकेले हैं तो बीजेपी के पास सब कुछ है। बड़ा सवाल ये है कि अगर हार गए तो क्या होगा? जल्द ही आपको दिखाएंगे अगर योगी जीत गए तो बीजेपी में उनका कद क्या होगा, अगर वो हार गए तो फिर कहानी कैसी होगी। लखनऊ से शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत टीवी।